नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आक या मदार एक औषधीय पौधा है। इसको मदार, अर्क या मकोवा भी कहा जाता है। इसका वृक्ष छोटा और छत्तेदार होता है और पत्ते जो है बरगद के पत्तों के समान मोटे होते हैं, जो पकने पर पीले हो जाते हैं। इस पर आम के समान फल लगते हैं जिनमें रुई निकलती है। आक की शाखाओं से दूध निकलता है जो एक प्रकार का विष होता है। यह पौधा गर्मी के दिनों में रेतीली भूमि पर पैदा होता है जो बरसात होने पर सूख जाता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आक का पौधा विषैला होता है जो मनुष्य को मार डालता है, लेकिन किसी भी औषधि का प्रयोग यदि निर्धारित मात्रा से अधिक सेवन किया जाए तो वह विष के समान ही कार्य करती है। आक के पौधे को भी कई जटिल समस्याओं में एक औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इनमें से कुछ प्रयोग हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आक के पौधे का हर अंग एक औषधि है। इसका जड़, तना, फूल और पत्ते सभी भाग उपयोगी होते हैं। आंक, दांत, कान, बुखार, बवासीर, सुगर और गठिया जैसे जटिल रोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, आंक की जड़ को छाया में सुखाकर पीस लें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खाने से बुखार कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आंक की एक शेर जड़ लेकर दो शेर पानी में तब तक पकाएं जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। अब उस पानी में से जड़ को निकालकर एक शेर गेहूं को पानी में तब तक पकाते रहें जब तक कि पानी पूरी तरह से जल ना जाए। अब इस गेहूं के आटे की रोटी को गुड़ और घी के साथ मिलाकर प्रतिदिन खाने से गठिया के रोगियों को बहुत ही फायदा होता है। पुरानी से पुरानी गठिया जो है मात्र 20 से 25 दिनों में ठीक हो जाती है। इसकी जड़ की राख में सरसों का तेल मिलाकर लगाने से खुजली में बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। दोस्तों, सिर में दर्द होने पर आंक की सूखी डंडी लेकर उसे एक तरफ से जलाने पर और दूसरी तरफ से नाक से धुआं खींचने पर या फिर सूंघने पर सिर का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। दोस्तों, यदि आपके दांत में कीड़ा लगा है तो आंक की डंडी की दातुन लगातार एक हफ्ते तक करने से दांत में लगा कीड़ा बाहर निकल आता है और दांतों में होने वाले कई प्रकार के रोग भी ठीक हो जाते हैं। शुगर के रोगियों के लिए आक के पत्ते बहुत ही लाभकारी होते हैं। शुगर होने पर आक के ताजा पत्तों को रात को सोने से पहले पैर के तलवों पर किसी धागे के साथ बांध लें, सुबह होने पर उनको खोल दें। ऐसा लगातार करने से कुछ ही दिनों में शुगर लेवल सामान्य हो जाएगा। आक के पीले पत्ते पर घी चुपड़कर सेंक कर उसका अर्क कान में डालने से आधा सिर का दर्द ठीक हो जाता है। आक के कोमल पत्तों को तेल में जलाकर अंडकोश की सूजन पर बांधने से अंडकोश की सूजन जो है मात्र 2 से 3 दिनों में ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। यदि आपकी आंख आ गई है, आंख में दर्द है, तो आंख के दूध को पैर के अंगूठे पर लगाने से दुखती हुई आंख ठीक हो जाती है और बवासीर के मसों पर इसका दूध लगाने से मसों में आराम मिलता है। गुम चोट लगने पर और सूजने पर इसके पत्तों को तेल लगाकर और गर्म करके बांधने से दर्द और सूजन दोनों में आराम आपको मिलता है। दोस्तों, ये थे आक के पत्ते के कुछ प्रयोग। आप अपने रोग के अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आक का दूध आंखों पर ना लगे, इससे आंखों को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। जय हिंद।